स्क्वर्टी फॉर्मेट में क्यों होते हैं? I don't know, but let's ask Aryan, the smartest 6-year-old in town. Friends, आपने कई तरह के कीबोर्ड्स देखे होंगे, जैसे वायरलेस, फोल्डेबल, वर्चुअल, एर्गोनॉमिक और प्रोजेक्शन कीबोर्ड भी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन पे कीज QWERTY फॉर्मेट में क्यों होते हैं और ABCD फॉर्मेट में क्यों नहीं? ABCD फॉर्मेट में तो हमें यहाँ वहाँ कीज ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं होती और हम काफी फास्ट टाइप कर पाते। एक्चुअली पुराने टाइम पर जब मैकेनिकल कीबोर्ड्स होती थी तब कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होती थी, जिससे लोग काफी फास्ट टाइप कर पाते थे, जिसके कारण की बहुत फास्ट हिट होती थी और टाइप बार अक्सर जाम हो जाते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफर शोल्ज ने QWERTY की अरेंजमेंट डेवलप किया। इस अरेंजमेंट में फ्रीक्वेंटली यूज लेटर्स को एक दूसरे से दूर रखा गया। अब क्योंकि लोग पुराने लेआउट से इतना यूज्ड टू थे, उनकी टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी स्लो हो गई एंड एज अ रिजल्ट जैमिंग भी काफी रिड्यूस हो गई। बट इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑलमोस्ट एवरी कीबोर्ड हैज बिकम इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिकली अब तो हम किसी भी कीबोर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अब ग्लोबली सारे सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स QWERTY फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हैं एंड अब हम लोग भी QWERTY फॉर्मेट के यूज्ड हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये लॉजिक आपको पहले पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।